हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें और सभी अपने पद पर आगे बढ़ते रहें और अपनी मुकाम को हासिल करें, यही प्रार्थना नीलकंठ महादेव के चरणों में मैं रखना चाहता हूँ, रखता हूँ। पिछले 2 सालों से, साल के पहले सोमवार को 2020 में भी हमने मनाया, 2021 में भी मनाया और 2022 में वापस हमको मौका मिला है कि कोविड की जंग जीत के हम यहाँ पे उपस्थित हो सके। कहीं ना कहीं से सभी लोग इस जंग से गुजरे हैं, कोई परिवार में, कोई पास का, कोई दूर का, कोई न कोई व्यक्ति अपना हॉस्पिटल में जरूर भर्ती रहा। पिछला जो श्रृंगार था महादेव जी का, जो 2021 पहले सोमवार को किया था, वो जड़ी बूटियाँ और महादेव को जंगल में विराजित दिखाने की हमने कोशिश की थी। उस कोशिश में कितनी सफलता प्राप्त की वो आपसे ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं बता पाएगा। और फिर सीख के इस बार कोविड में महादेव जी ने हमारी इतनी मदद की कि हम लोगों की सेवा कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए और जिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही थी उनको सुविधा दे पाए, इस आशीर्वाद को उन्होंने प्रदान किया। इसलिए इस बार का जो डेकोरेशन कहें, श्रृंगार कहें, महादेव जी का, वो एक नई थीम पे वंडरलैंड करके, विंटर वंडरलैंड करके हमने उस थीम का नाम रखा है। क्योंकि सर्दी में जो बाहर अपन विदेश में घूमने जाते हैं, सर्दी में विदेश में जो माहौल मिलता है, उस माहौल को हम महादेव जी के चरणों में समर्पित करेंगे और विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार के बाहर से आए हुए फूल, यहाँ के भी कुछ हम महादेव जी को इस तरह से डेकोरेट करेंगे कि आपको लगेगा कि आप कहीं ना कहीं भारत के बाहर विदेश में आए हैं। बाकी की जानकारी भाई गौरव जी आपको देंगे, कौन से फूल हैं, कहाँ से आ रहे हैं। भाई गौरव और हितेश, आउट ऑफ इंडिया में से स्विट्जरलैंड, चाइना में चेरी ब्लॉसम के ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उसी टाइप का एक पूरा वॉक हम रेडी कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम के ट्रीज से लेकर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, कुछ रियल फ्लावर, जहाँ महादेव जी की मूर्ति है स्थापित हुई है वहाँ पे पूरा फ्रेश फ्लावर का यूज़ करेंगे हम। उसके अंदर इम्पोर्टेंट फ्लावर होंगे, कुछ इंडियन फ्लावर होंगे, उसको पूरा यूज़ करके एक हम, जैसे कि जो भी दर्शन करने आएंगे वहाँ पे 15 मिनट के लिए, उनके लिए मतलब ऐसा होगा कि अंदर से अंदर एंटर करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अलग माहौल में आ गए वो, मतलब पूरा एक आउट ऑफ इंडिया वाला फील आएगा उनको पूरा। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम हमेशा कुछ अलग लेके आए, जैसे हम पिछले साल लेके आए जंगल थीम के ऊपर, इस बार हमारा यही है कि हम विंटर वंडरलैंड को लेके आए कि एक नया तरीके से रिकॉर्ड, महादेव जी को बिल्कुल नए तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उधर हम ये जंगल जंगल जाने की आज भगवान के रिकॉर्डिंग के लिए भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इस माहौल में हम चल रहे हैं कोविड में, उस हिसाब से कोई नया प्रयास है कि यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करके, कुछ अच्छा रिकॉर्ड करके वो पब्लिक में कोई नई चीज लेके आए। हमारी जो महादेव जी के चरणों में हम नतमस्तक होके उनका श्रृंगार करते हैं, आप में से कई लोग हर सोमवार के दर्शन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से करते होंगे, पर साल का प्रथम सोमवार, साल की शुरुआत इस सोमवार से हम बड़ा डेकोरेशन करके लोगों को ये ही बताना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ साक्षात इस पृथ्वी पे विराजते हैं, जो इस धरती पे सभी के लिए कहीं ना कहीं भला सोचते हैं। आप पर्सनली वहां पे रह के इस डेकोरेशन को देखें और इस फील को लेवे कि महादेव क्या चाहते हैं। महादेव की अगर पगड़ी हम चढ़ाते हैं तो साक्षात ऐसा लगता है कि महादेव कुछ बात कर रहे हैं। 7 दिन का आयोजन है, हर रोज महादेव के आसपास का जो डेकोरेशन होगा उसको अलग अलग प्रकार से हम चेंज करेंगे। जो कर सकते हैं बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ऐसा होगा, पर वो जो बनेगा, पिछली बार जो जंगल बना, हमारी इच्छा थी कि जंगल बनाना है, हम भी कंफ्यूज थे क्या चीज करोगे, नया महादेव जी का श्रृंगार डेली चेंज होगा, पूरा कॉरिडोर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा, कोई आएंगे। पिछली बार जो हमने सीखा, हम तो दूसरे दिन हटाने वाले थे, पर कई लोगों ने दूसरे दिन जब हम वहां पहुंचे तो हमारे बोला कि 2-4 दिन और रहने दो भैया, यार बहुत अच्छा डेकोरेशन, हमारे कोई मित्र भीलवाड़ा से निकले, राजसमंद से निकले, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आ रहे हैं, हम चाहते हैं वो भी दर्शन करें, तो हमने 7 दिन उसको रखा। मेजर फूल जो आ रहे हैं सर, उसके अंदर हेलिकोनिया, मतलब इम्पोर्टेंट फ्लावर के अंदर हेलिकोनिया है, एंथोरियम से, ब्रासिका है, फिर हाइड्रेंजियाज हैं, ट्यूलिप्स हैं, और ये तो एक्जोटिक फ्लावर में हो गए, बाकी लोकल इंडियन फ्लावर जो है, रोजेज हो गए, कार्नेशंस हो गए, ये फ्लावर सब मर्ज करके ये फ्रेश फ्लावर के अंदर यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेरी ब्लॉसम हो गया, मोकेरा ऑर्किड्स हो गया, सिमिडियम ऑर्किड्स हो गया, ये सबको मिक्स मैच करके पूरी थीम बना रहे हैं, तो उन फ्लावर को अपन आर्टिफिशियल फ्लावर के अंदर लेकर और पूरा कॉरिडोर अपन उससे रेडी कर रहे हैं, ताकि पूरा मतलब नेचुरल ट्री का मतलब फील दे पाए,
और ये चीज तो क्या है कि अभी हम बता रहे हैं, लेकिन आप जब आप भी दर्शन करने आएंगे, उदयपुर वाले जितने भी लोग दर्शन करने आएंगे, तब वहाँ पे आके जो फील करेंगे वो चीज बिल्कुल अलग होगी। तो उन ट्रीज को हम यहाँ पे मिक्स मैच करके मतलब पूरी गैलरी बनाए, इसके ट्रीज है और नीचे पूरे आइस के जो स्नोमैन होते हैं उसको हम बर्फ अपने थर्मोकोल के अंदर रेडी करके वो स्नोमैन बना रहे हैं। कुछ फाइबर के पिकॉक सॉरी पेंगुइन्स वगैरह हो गए, वो चीज़ हम इसमें मिक्स मैच कर रहे हैं। ये दो थीम को मिक्स करके कुछ नई चीज़ क्रिएटिव चीज़ बना रहे हैं। ठंडक भी उतनी रखेंगे वहाँ पर, सॉरी सर, ठंडक भी उतनी रखेंगे। ठंडक तो सर अब देखो माधव जी कर रहे तो चमत्कार अलग है, भाई ठंडक तो पॉसिबल नहीं हो पाई वहाँ पे। कोशिश करेंगे कि बर्फ की अनुभूति करा सकें, कोशिश यही रहेगी कि सर्दी में सभी लोग अभी कोरोना के चलते कई लोग बाहर घूमने जाने का प्लान वापस कैंसिल कर चुके हैं, तो वहाँ पे 15 मिनट के लिए अनुभूति करा दें कि स्वर्ग के दर्शन हो गए और साक्षात महादेव अपने सामने बैठे हैं और अपन दंडवत करके उनको कह रहे हैं भगवान हमारा ध्यान रखना, हमारे घर परिवार का ध्यान रखना और इस सर्व समाज को एक करने की आप कोशिश करना कि कहीं भी समाज में जो विभिन्नता आ रही है उनको मिटा के और समाज की जो ऐसे कोई कुकर्म है या ऐसे कोई कलंक है जो समाज को खराब कर रहे हैं उनको भगवान अपनी तीसरी दृष्टि को खोल के खत्म करे और समाज एक हो सके और आप और हम सभी कह सकें कि हाँ भोलेनाथ की कृपा से हम आज एक अच्छे समाज के अंदर जा रहे हैं और अच्छे समाज में अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।